हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, वही हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। और कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे संचार या संप्रेषण के प्रकार पढ़ेंगे आज। देखो, कल मैंने पढ़ाया था संप्रेषण के उद्देश्य। उससे पहले मैंने विशेषता पढ़ा दी, प्रकृति पढ़ा दी, कम्युनिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल शानदार तरीके से, हर एक पॉइंट को समझाते हुए। ठीक है, जितना मैं आपको समझा सकता था मैं उतना समझा चुका हूँ आपको, और मेरे को लगता है कि आप भी अच्छे से उसको सीख गए होंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं, मैं सीखने का काम कर रहा हूँ, आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि आदमी कब सीखता है, आदमी अच्छे से कब सिखाता है, जब वो सीखता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक मैं अच्छे से सीखूंगा नहीं, मैं सदा एक सीखने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं आपको अच्छे से सिखा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं अपने आप में हर एक दिन कुछ नया बदलाव करने की, कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूं आपके लिए। ठीक है, यहां पर देखो लिखा हुआ है, संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी समझ विकसित करना। संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ विकसित करना। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, जो संचार है, उसमें क्या होता है, इसमें संगठन में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, वो सभी लोग सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ को विकसित करने का काम करता है। ठीक है, जो जानकारी है उसको शेयर करने का, समझ अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने का काम करता है। संगठन में प्रेरणा, सहयोग और रोजगार की संतुष्टि के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, संगठन में प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। सहयोग, रोजगार की संतुष्टि के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो फिर से एक बात लिखी हुई है, बहुत प्यारी सी बात है कि संगठन में अपने अधीनस्थों। अब आप सोचोगे कि सर अधीनस्थ का मतलब क्या होता है? अरे भाई टेंशन मत लो, अधीनस्थ का मैं मतलब बताता हूँ, संगठन में अपने अधीनस्थों, संगठन में अपने अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेना। संगठन में अपने अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेना। अब यहां पर मैं बताता हूं अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ का मतलब होता है जो किसी के अधीनता में हो, या किसी के अधीन हो, या किसी के नीचे रहने वाला हो। ठीक है, अधीनस्थ का मतलब होता है जो किसी के अधीनता में हो, किसी के अधीन हो, या किसी के नीचे रहने वाला। ये बात आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल अच्छे से सीखना है कि अधीनस्थ का मतलब क्या होता है। अधीनस्थ का मतलब होता है अधीन रहने वाला या नीचे रहने वाला। ठीक है, या अधीनस्थता में काम करने वाला। जैसे कोई ऑफिस है, यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर है, उसके अधीन ये तीन लोग काम कर रहे हैं, इन ऑफिसरों के अधीन ये तीन तीन लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या एक अधीनस्थ है। ठीक है, तो संगठन में अपने अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेना। उसके बाद देखो यहां पर लिखा हुआ है, अभिवर्ती संप्रेषण कार्य निष्पादन रिकॉर्ड तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना। अब ध्यान से सुनना भाई लोगों, अभिवर्ती संप्रेषण सर्वेक्षण है, यहाँ पर सर्वेक्षण, अभिवर्ती सर्वेक्षण कार्य निष्पादन रिकॉर्ड विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना। अभिवर्ती सर्वेक्षण का मतलब होता है, सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे करना। तो अभिवर्ती सर्वेक्षण कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, निष्पादन का मतलब होता है कंप्लीट करना, कार्य को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना, संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, यहां पर हम संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम की, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, संचार प्रणाली क्या है, अब हम ये पढ़ते हैं। यहां पर देखो, यहां पर सीधे सीधे शब्दों में सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। संचार किसी सामग्री, लिखित या मौखिक संदेश का किया जाता है जो किसी माध्यम से होता है। संचार किसी सामग्री का किया जाता है, ये लिखित और मौखिक संदेश हो सकता है जो किसी माध्यम से किया जाता है। ठीक है,
कि संचार किसी सामग्री का किया जाता है, कोई भी सामग्री हो सकती है उसका संचार किया जाता है। संचार लिखित और मौखिक दोनों तरीके का हो सकता है और ये किसी एक माध्यम से किया जाता है, किसी मीडियम से किया जाता है। ठीक है, कोई भी माध्यम हो, जैसे हम आपस में पढ़ रहे हैं, वो किस माध्यम से पढ़ रहे हैं? यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मेरे से सीखने की कोशिश कर रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ किससे? कमेंट के माध्यम से, या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ किसी बुक के माध्यम से। ठीक है, संचार के लिए एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, कम्युनिकेशन संचार है जो संप्रेषण है, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अब आप बोलोगे कि सर निश्चित प्रक्रिया क्या है? अरे भाई लोगों, निश्चित प्रक्रिया मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमारे दिमाग में एक विचार बनता है। ठीक है, उस विचार को हम किसी के सामने पेश करते हैं, वो तो लिख के पेश कर सकते हैं या बोलकर पेश कर सकते हैं। फिर वो किसी मीडियम में टेलीफोन भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, ईमेल के माध्यम से भी हो सकता है, और किसी माध्यम के द्वारा आप उसको दूसरे कैंडिडेट जो प्राप्त करता है वहाँ तक पहुँचाते हो। तो आपने क्या किया, अपना जो भी मैसेज था उसको आपने प्राप्तकर्ता तक पहुँचा दिया। ठीक है, जैसे ही मैसेज या मेल है जो प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है, तुरंत बाद में प्राप्तकर्ता क्या करता है, हमें उसका फीडबैक देता है, हमें उसका रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, और जैसे हमें रेस्पॉन्स मिलता है, हम तुरंत क्या होते हैं, हमें पूरा संचार पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है रेस्पॉन्स से हमें क्या पता चल रहा है, रेस्पॉन्स से हमें पता चल रहा है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो बात उसी तरीके से उसको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, उसके बाद हम संचार प्रणाली के तत्वों की बात करें तो संचार प्रणाली के टोटल 3 तत्व हैं, जिसमें पहला तत्व है विषय सामग्री, दूसरा है संचार की विधि, और तीसरा है संचार की प्रक्रिया। ठीक है, विषय सामग्री है, संचार की विधि है, और संचार की प्रक्रिया है। ये 3 हैं जो संचार प्रणाली के तत्व हैं, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं विषय सामग्री। देखो, विषय सामग्री क्या होती है, विषय सामग्री होता है सब्जेक्ट जिसका हमें संचार करना है। कुछ भी हो सकता है, सपोज डैट आप लव लेटर लिखना चाहते हो अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, तो वहाँ पर जो लव लेटर है उस लव लेटर में आप जो शब्द लिख रहे हो वो शब्द क्या है, सब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट क्या था, लव लेटर था। उसमें आपने क्या किया, जो भी मटेरियल ठूंसा उसको जिस भी तरीके से सजाने की, उसको उसका संग्रहार करने की कोशिश की, श्रृंगार करने की कोशिश की, उसको अच्छे से डिजाइन करने की कोशिश की, वो सब क्या था, आपका विषय सामग्री थी। ठीक है, तो जिसका हमें संचार करना होता है वो विषय सामग्री होती है, जिसमें आदेश भी हो सकता है। जैसे हम किसी को आदेश देते हैं, जैसे सीनियर, अब आदेश ये भी मान सकते हो, एनटीए ने एक वेबसाइट के ऊपर पेज डाल दिया कि भाई आपका पेपर पोस्टपोन होगा, हम सबको मिल गया, हम सब उसको पढ़े और हम सेटिस्फाई हो गए कि भाई पेपर पोस्टपोन हो चुका है। निर्णय, हमने कॉन्क्लूजन निकाला, अब हम यदि उसको फीडबैक दें, अब हम एनटीए को लिख के भेज दें कि थैंक्स एनटीए, आपने हमें इन्फॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद सूचना हमें मिलती है, आंकड़ा हमें मिलते हैं, हम भेजते हैं, हमें मिलते हैं जो भी आंकड़ा, जैसे पॉपुलेशन का आंकड़ा, इसके अलावा प्रेजेंट में COVID-19 के जो टोटल केसेज है वो हम देखते रहते हैं, तो वो आंकड़ों में दिखते हैं कि भाई आज 327 थे, आज 347 थे, ये सारे क्या आंकड़े हैं। उसके बाद हम बात करें संचार की विधि या तरीका, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विधि या संचार का तरीका। अब भाई ये भी ध्यान से सुन लो, संचार की विधि बोल दो चाहे तरीका बोल दो, ये लिख कर भी हो सकता है। संचार की विधि कि भाई आप किसी को बात बोल रहे हो, आप किसी को डाटा भेज रहे हो, आप किसी के साथ प्यार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप किसी को डाटा भेज रहे हो, आंकड़े भेज रहे हो, कोई लव लेटर भेज रहे हो, कोई सूचना भेज रहे हो, तो वो आप किस माध्यम से दे रहे हो, आप जाकर डायरेक्ट अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे हो, या फिर आप फ़ोन पर बोल रहे हो कि प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, आप प्लीज़ मेरी मोहब्बत को ठुकराना मत, या फिर आप एक बहुत प्यारा सा लेटर लिख के भेज रहे हो, या आप मेल भेज रहे हो, या आप उसको व्हाट्सएप पर हाई हेलो करके और अपनी बात रख रहे हो, वो क्या है, मीडियम है, बात आप कहना चाह रहे हो लेकिन आपके मीडियम बदलते जा रहे हैं। ठीक है, बोलकर, सुनकर, हाव भाव या आचरण के द्वारा। उसके बाद मैं बात करूं संचार प्रक्रिया की, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो
इसमें संदेश के स्रोत से लेकर संदेश पहुंचने तक सभी आवश्यक अंग आते हैं। जो संचार प्रक्रिया है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसमें संदेश के स्रोत से लेकर, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, जहाँ से संदेश बन रहा है। सपोज डैट ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी का लेता हूँ, मैंने चार बुकों से लिया, केवीएस मैदान था, अरिहंत था, ऑक्सफोर्ड था और दृष्टि आईएएस था। मैंने ये चार बुक क्या लिए, स्रोत के रूप में यूज लिए, फिर मैंने इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में डिजाइन किया, मैंने इसको एनकोडिंग की, उसके बाद मैंने क्या किया, यूट्यूब के माध्यम से आप तक भेजा, आपने इसको क्या किया, डिकोड किया और अपने आपने उसको क्या किया, समझने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर स्रोत क्या है, मैं खुद एक स्रोत हूँ, केवीएस मदान की बुक एक स्रोत है, अरिहंत बुक एक स्रोत है, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की बुक एक स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है, इसमें संवाददाता आ जाता है, संवाद आ जाता है, माध्यम आ जाता है, संवाद प्राप्तकर्ता आ जाता है या प्रतिपेषण आ जाता है। ठीक है, ये सारे सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, किसमें, कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब हम बात करें संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई संचार है वो बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, इसको अलग अलग आधारों पर, ध्यान से सुनना ये शब्द, संचार को अलग अलग आधारों के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। लाइन को ध्यान से सुनना, संचार को अलग अलग आधारों के आधार पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब देखो भाई साहब, संबंधों के आधार पर संचार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स। ठीक है, संबंधों के आधार पर संचार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स। अब हम इसमें पढ़ते हैं संबंधों के आधार पर क्या होता है। भाई देखो, संबंधों के आधार पर संचार को टोटल चार भागों में डिवाइड किया गया है, एक इंटरपर्सनल है, दूसरा इंट्रोपर्सनल है, तीसरा मास कम्युनिकेशन है और चौथा ग्रुप कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैं चारों के चारों बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा, तो सीखना भाई। देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक सजेस्ट देता हूँ, आपको मैं एक सुझाव देता हूँ, ये जो हिंदी के वर्ड है, इन चारों के आप हिंदी के शब्द मत याद करो और आप इंग्लिश के शब्द, ये चारों के चारों इंग्लिश के शब्द याद करो, इम्पर्सनल शब्द याद करो, इंट्रापर्सनल शब्द याद करो। आपको क्या करना है, ये चारों के चारों शब्द अच्छे से याद करना है, इम्पर्सनल शब्द, और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को ही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है उसी को क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को ही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, जो इंट्रोपर्सनल कम्युनिकेशन है, क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो मनुष्य के चिंतन, मनन और स्व संचार पर आधारित होती है। और यह क्या है, जो इंट्रा या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो मनुष्य के चिंतन, मनन और स्व संचार पर आधारित होता है। स्व संचार का मतलब होता है, देखो एक बार मैं इस शब्द का मतलब समझा देता हूं आपको, कि इम्पर्सनल या इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है। देखो इम्पर्सनल शब्द को ध्यान से सुनना, इसको मैं आपका यहां से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखो इम्पर्सनल, इसका एक उपनाम है इंट्रापर्सनल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इम्पर्सनल को आप टुकड़ों में तोड़ो, आई एम पर्सनल, क्या हो गया, आई एम पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इन पर्सनल कम्युनिकेशन को टुकड़ों में तोड़ दो और फिर बनेगा आई एम पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब आई का मतलब मैं, खुद मैं, अकेला कम्युनिकेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, आई का मतलब मैं, पर्सनल का मतलब अकेला, मैं अकेला कम्युनिकेशन, इसका मतलब समझ गए होंगे आप, मैं अकेला कम्युनिकेशन का मतलब यहां पर मैं अकेला हूं जो अकेला ही कम्युनिकेशन कर रहा हूं। अब आप बताओ, आप अकेले कम्युनिकेशन कब करते हो, ध्यान से सुनना, आई एम पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब मैं
अकेला कम्युनिकेशन, तो मैं अकेला कम्युनिकेशन मतलब इसमें केवल आप अकेले हो जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब इसमें दूसरा कैंडिडेट नहीं है। क्या है? इसमें केवल आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसमें कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। और आप अकेले कम्युनिकेशन कब करते हो? जैसे मैं समझाता हूँ, आप पढ़ रहे हो, अचानक आपको टेंशन हो गया कि यार मेरा तो पेपर पास में आ गया और मेरी सही ढंग से तैयारी नहीं है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? आप बैठ के सोचोगे कि यार मैं अब किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाऊं, मैं किस तरीके से अपना एक टाइम शेड्यूल फिक्स करूं जिससे कि मैं बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करूं, मैं बहुत बेस्ट पढ़ पाऊं। ठीक है, आप करोगे ना ये कोशिश बहुत अच्छे से पढ़ने की? कई बार हम अपने आप को गाली निकालते हैं, अरे यार मैं गधा हूँ यार, मैंने उस टाइम एक बेस्ट डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से आज मैं दुख पा रहा हूँ। कई बार हम ओ माय गॉड उस टाइम मैंने कितना शानदार डिसीजन लिया, देख आज मैं कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कई बार अपने आप से ही बात करते हैं। अब बताओ, अब मैं समझाता हूँ सब कुछ, यहाँ पर मैं इसी से समझा रहा हूँ। ये आप हो, आप खुद बात कर रहे हो, यहाँ पर एनकोडर, एनकोडर और डिकोडर दो होते हैं। आप अकेले बात कर रहे हो मतलब एनकोडर, ठीक है, आप अकेले बात करो यहाँ पर मतलब खुद ने बोला कि यार मैं क्या हूँ, मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, मैंने बहुत सही डिसीजन ले लिया। आपने क्या किया? एनकोडिंग किया, फिर आपने डिसीजन निकाला कि यार देख मैं बहुत सही डिसीजन लिया उस टाइम जिसकी वजह से देखो मैं आज कहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर आप अकेले हो जो आप अपने आप से बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पर एनकोडर भी आप हो और डिकोडर भी आप हो। अरे भाई साहब, यहाँ पर एनकोडर आप हो, एनकोडिंग का काम आप कर रहे हो, यहाँ पर डिकोडर आप हो, डिकोडिंग का काम भी आप ही कर रहे हो। ठीक है, ये बात ध्यान से सुन लेना, एनकोडर और डिकोडर दोनों एक ही है भाई साहब। इसमें एनकोडिंग का काम भी आप खुद कर रहे हो और डिकोडिंग का काम भी आप खुद कर रहे हो। उसके बाद भाई साहब देखो, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के चिंतन मनन, चिंतन, अपन कई बार बैठ के चिंतन नहीं करते। जैसे आपने कम्युनिकेशन को पढ़ लिया, अब मैं आपको पढ़ा दिया, अब आप बैठ के क्या करोगे, इसका चिंतन करोगे, फिर आप याद कर रहे हो कि सर ने सबसे पहले ये बात बोली, फिर ये बात बोली, फिर सपोज डैट आपने गलत बोल दिया बीच में, तो आप क्या करोगे, मेरा वीडियो देखोगे, फिर आप बोलोगे अरे यार मैं ये इतनी सिंपल सी बात भूल गया, मैं क्या कर सकता हूँ मेरी लाइफ में, मैं जर्फ कैसे निकाल सकता हूँ जब मैं ये इतनी छोटी सी बात भूल गया। दूसरी साइड आप अपने आप से बात करो और आपने क्या किया, ओ यार देख सर ने जो पढ़ाया तो वो मेरे एज इट इज याद हो गया, मतलब मेरा मेमोरी लेवल, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या है, बहुत हाई है, मैं 100% जर्फ निकाल सकता हूँ इस तरीके से। तो सब संचार, अरे भाई साहब इसमें जो संचार हो रहा है वो सब हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, आप ही इसमें अपने आप से बात कर रहे हो, आपने कुछ बात बोली, आपने उसका डिसीजन लिया, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन भी आप ही बना रहे हो और उसका आंसर भी आप खुद ही दे रहे हो। यहाँ पर किसी दूसरे कैंडिडेट की जरूरत नहीं, आप खुद अपने आप से बैठकर बात कर रहे हो। जैसे कोई लड़की जा रही है सामने से, मन में ख्याल आया वो माय गॉड कितनी शानदार लड़की है, कितनी गजब लड़की है, कितनी स्मार्ट लड़की है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश मैं इसको प्रपोज कर पाऊँ। आप क्या कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो, फिर आप बोलोगे नहीं यार ये बहुत स्मार्ट है, मेरे लेवल की कहाँ यार, ये मेरे को एक्सेप्ट करेगी नहीं। मैंने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, मैंने अपना आंसर खुद से दे दिया कि भाई मत कर प्रपोज, प्रपोज वो जो 10 रुपए का फूल है वो वेस्ट जाएगा, वो लड़की हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि शी इज मोर देन स्मार्ट टू मी, वो मेरे से कहीं गुना ज्यादा स्मार्ट है। कुछ भी करने और कुछ भी कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद रूप ले लेते हैं, यह संचार मानसिक स्तर पर होता है। बात बिल्कुल सही है भाई साहब, मानसिक स्तर पर ही हो रहा है बात। आत्मविवेचन, आत्मविवेचन का मतलब होता है खुद की, खुद से विवेचना करना, आत्मविश्लेषण, खुद से विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करना, खुद से तर्क वितर्क कर रहे हो कि भाई वो लड़का मेरे से इंटेलिजेंट है, नहीं वो मेरे से इंटेलिजेंट नहीं है, मैं उससे इंटेलिजेंट हूँ। फिर आप बोलोगे देख पिछले टेस्ट में उसके 10 में से 10 आए थे, मेरे 10 में से 9 आए थे, फिर बोलोगे नहीं उससे पिछले टेस्ट में मेरे 10 में से 10 थे, उसके 10 में से 8 थे। आप क्या कर रहे हो, अपना खुद का विवेचन कर रहे हो, आप अपना खुद का विश्लेषण कर रहे हो, आप अपना खुद से तर्क वितर्क कर रहे हो और आप आपस में अंतर्द्वंद का काम कर रहे हो।
संचार के इस स्तर में प्रेषक, संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका का निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एनकोडर और डिकोडर दोनों एक ही होता है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जरूरत नहीं है कि दूसरा हो सामने। अरे भाई टेंशन मत लो, हम अकेले अपने आप से बात कर रहे हैं। कभी भी स्टार्ट कर दो, रात को सपना देखना स्टार्ट कर दो, रात में बात करो खुद से, दिन में बात करो, कहीं बात करो, मतलब ये एक स्वचालित प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती, ऑलवेज चलती रहती है। यह हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करती है, हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको ये प्रभावित करती है। स्वयं से बात करना, स्वयं को अच्छा बुरा कहना, ओ माय गॉड मैंने ये क्या किया, ऐसी कुछ बातें मैंने अभी आपको समझा दिया। उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब अंतर्व्यक्तिक, हिंदी शब्द मत याद करो, इंग्लिश शब्द याद करो, इंटरपर्सनल मतलब हम नहीं बोलते कि तेरे को मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, तेरे को मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, तेरे को मेरी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग सही ढंग से जी लूंगा, डोंट वरी, ओके। दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे आप और मैं कर रहे हैं, आप सामने दो भी बैठे हो सकते हो, तीन भी हो सकते हो, चार भी हो सकते हो और 15,000 भी हो सकते हो, हम क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीतें कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम फेस टू फेस होकर बात करते तो प्रत्यक्ष हो जाता, हम अब अप्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, आप मेरे को फेस टू फेस नहीं देख रहे लेकिन बातें हो रही हैं। यह संचार दो तरफा प्रक्रिया, इसमें टू वे होता है, मैंने आपको बोला आपने मेरे को रिप्लाई दिया, आपने मेरे से पूछा मैंने आपको रिप्लाई दिया, इसमें संचारक को त्वरित गति से फीडबैक मिलने लगता है। और इसमें जो संचारक है, जो एनकोडर है, जो कम्युनिकेटर है, उसको जो फीडबैक है वो बिल्कुल फुल स्पीड से मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें संचारक को जो फीडबैक है वो त्वरित गति से मिलता है, बहुत तेज स्पीड से मिलता है। इसमें फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ध्यान से सुन लेना, इसमें जो फीडबैक होता है, फीडबैक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है यहाँ पर, ठीक है। अरे भाई साहब आप और मैं दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आपने मेरे से पूछा कि सर क्या हाल है, मैंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। और मैंने तुरंत आपको रिप्लाई दे दिया, आप तुरंत क्या करोगे, और सर क्या कर रहे हो आजकल, आपके साइड कोरोना पॉजिटिव केस कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, आपके साइड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारी बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी, बहुत लंबी दूरी में फैल जाएंगी, बहुत लंबे टाइम तक हमारी बातें चलेंगी। ये किसकी वजह से चलेंगी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से। साक्षात्कार, कार्यालय वार्तालाप, समाचार संकलन, ये सब सब किसमें शामिल है, इसमें शामिल है। साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, फिर हम उसका आंसर देते हैं। कार्यालय वार्तालाप है, ऑफिस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं। समाचार संकलन है, जैसे समाचार एकत्रित कर रहे हैं, फ़ोन करके पूछा कि सर आपके गांव में कितने पेशेंट हैं, मैंने बताया कितने, आपके गांव में कितने पेशेंट हैं, मैंने आप फिर आपने बता दिया कि सर मेरे गांव में 10 पेशेंट हैं, फिर मैंने दूसरे से पूछा सर आपके गांव में कितने पेशेंट सॉरी कि आपके गांव में कितने पेशेंट हैं, फिर आपने बता दिया 15 हैं, फिर मैंने तीसरे से पूछा कि आपके गांव में कितने पेशेंट हैं, वो बोलेगा 5, मेरे पास क्या आ गए, 3 गांव के डेटा आ गए, 1 का 10, दूसरे का 15, तीसरे का 5। उपदेशात्मक संचार भी कहते हैं इसके, उपदेशात्मक भी कहते हैं, ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना, किसको कहते हैं, इसको उपदेशात्मक संचार भी कहते हैं, उपदेश देने से संबंधित है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सामाजिक संबंधों का आधार है, और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या है, सामाजिक संबंधों का एक आधार है, बेस ऑफ इंटर, जो सामाजिक संबंधों का आधार है। इस संचार के लिए केवल 2 लोगों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं बल्कि अनेक, बल्कि उनके मध्य अंतःक्रिया का होना भी जरूरी है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि केवल 2 कैंडिडेट हो, यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है कि तुम 2 कैंडिडेट हो लेकिन तुम्हारे दोनों के बीच में संबंध कैसा है। भाई साहब 2 कैंडिडेट खड़े हैं और एक दूसरे को बोलते नहीं है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, दोनों आपस में बोलते नहीं है, क्या कम्युनिकेशन होगा,
नहीं होगा। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कब होगा? जब इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत रिलेशन होगा, दोनों आपस में बातें करेंगे, ठीक है। अंतर्व्यक्ति संचार दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। आप किसी को लेटर लिखकर भी बात कर सकते हो और किसी से आप क्या कर सकते हो, बोलकर भी बात कर सकते हो, अशाब्दिक रूप से भी बात कर सकते हो। अशाब्दिक रूप में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो लोग, जो स्टूडेंट सुनते नहीं बोलते नहीं, वो क्या करते हैं, अंगुली के इशारों से बात करते हैं। जिन लोगों को सुनता नहीं है, वो लोग बोलते नहीं हैं, वो अंगुली के इशारों से बात करते हैं, वो फेस के एक इम्प्रेशन से बात करते हैं, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है, शाब्दिक तरीके से भी हो सकता है, अशाब्दिक तरीके से भी हो सकता है, संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। तो ये था हमारी आज की क्लास का कंप्लीट कॉन्क्लूजन। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।